स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है और उसे कैसे डायग्नोज करते हैं, किस तरह से पैल्पेट करके, अगर आपको ये नहीं पता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आई एम श्योर पता चल जाएगा। हाय एवरीवन, दिस इज कुणाल, अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन आईएमएस बीएचयू। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सेप्टेम्बर के स्टार्टिंग में मैं बास्केटबॉल खेलता होता हूँ, और सेप्टेम्बर के स्टार्टिंग में मैं जब खेल रहा था तो शाम को मुझे ना लेग में एक अजीब सा फीलिंग हुआ, थोड़ा दर्द सा होने लगा। जस्ट आई इग्नोर्ड बिकॉज दिस इज़ वेरी नॉर्मल इन बास्केटबॉल, तो मैं इग्नोर करता गया। तो लगभग 2-3 हफ्ते बाद जब सेप्टेम्बर के 23 सेप्टेम्बर को जब पेन बहुत ही ज़्यादा हो गया, अनबेरेबल हो गया, तो अनबेरेबल बोलूँ या फिर हाँ बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया कॉम्यूट करने में, तो मैं गया हॉस्पिटल में, अपने बॉस को दिखाया, ऑर्थो डिपार्टमेंट में, ट्रॉमा सेंटर बीएचयू का, तो वहाँ पे दिखाया। तो मुझे बॉस बोले कि जाओ एक्सरे करा के लाओ, ठीक है। तो मैं गया, एक्सरे करा के लाया, और मुझे एक्सरे देखने के बाद मुझे बिल्कुल कुछ भी पता नहीं चला यार कि कहाँ फ्रैक्चर है ना। पता चल रहा है कि बोन मतलब वहाँ पे लेग में पेन है, और पेन ना अजीब सा था, पूरा डिफ्यूज सा पेन था, तो मैं पता नहीं लोकलाइज नहीं कर पाया अच्छे से, है ना। तो मतलब यू नो एक्सपीरियंस, यहीं पर तो एक्सपीरियंस मैटर कर जाता है। तो मैं बॉस के पास आया एक्सरे लेकर के, और मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो फिर मैं वहां पे गया बॉस के पास, तो बॉस पहले बोले सूज हटाओ, और उसके बाद उन्होंने पैल्पेट करा। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पैल्पेट किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको एक्सरे पे दिखाऊंगा जो मुझे नहीं दिख रहा था। मैं आपको थोड़ी देर के लिए आपको देखने के लिए छोड़ूंगा कि चलो आप देख पाते हो या नहीं, ठीक है। और उसके बाद फिर उसके बाद मैं कुछ और चीज आपके लिए लाया हूँ जो कि मैं लर्न किया इसको, स्ट्रेस फ्रैक्चर को डिग करने के बाद, तो वो सारा चीज़ हम लोग पता करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको पहले पैल्पेट करना दिखाता हूँ, सिखाता हूँ या फिर दिखाता हूँ, जो भी हो साथ में सीखते हैं। और फिर मैं आपको एक्सरे दिखाऊंगा, और फिर थोड़ा मोड़ा इधर से जो जो चीज़ मैं रखा हूँ वो चल करता हूँ, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। अब पैल्पेट करना देखते हैं कि कैसे लोकलाइज करते होते हैं, और उसके साथ साथ ना फुट में टार्सल बोन्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, वो सारा चीज़ हम पता करेंगे। ये मेरा राइट लेग है जिसमें मुझे स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था। तो देखो पहले तो मैं थोड़ा आपको बोन के बारे में बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो फैलेंग्स हैं, 1-2, फिर यहाँ पे 3-3 होते हैं। ये तो आप अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। आई एम एज्यूमिंग, ओके लेट्स नॉट एज्यूम एनीथिंग, ठीक है। यहाँ पे 2-2 होते हैं, फिर ये 3-3 हुए, फिर ये मेटा टार्सल्स होते हैं, इधर टार्सल्स, फिर मेटा टार्सल्स, ठीक है, ये 5 होते हैं। तो इसे मेटा टार्सल्स 1 बोलते हैं, फिर 2, 3, 4, फिर ये 5, फाइन। उसके बाद यहाँ पे क्यूनिफॉर्म मीडियल, इंटरमीडिएट और फिर लैटरल, इसको क्यूनिफॉर्म 1, 2, 3 भी बोल सकते हो। फिर यहाँ पे क्यूबॉइड बोन होते हैं यहाँ पे साइड में, ठीक है। फिर ये टार्सल बोन, फिर यहाँ पे नेविकुलर आएगा, फिर यहाँ पे टार्सल, फिर नीचे में कैल्केनियम, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वाला जो है टीबिया, और इस साइड से ये वाला जो है वो फिबुला, ठीक है। चलो अब बोन के बारे में हम लोग पता कर लिए, मसल वगैरह के बारे में ये एनाटॉमी क्लास नहीं बनाते हैं, ठीक है। चलो तो बॉस ने कैसे करा, इसको आप फोल्ड कर लो थोड़ा। अब देखो यहाँ पे आपको बोन जो इसका डिजिटल एंड है मेटाटार्सल का, ये आपको पता चल रहा होगा, राइट। और ये देखो, फिर आप यहाँ से पैल्पेट करना शुरू करो, ठीक है, करिए ये, ओके, फिर ये करोगे, फिर ये भी ओके, उसके बाद फिर ये थर्ड करोगे, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके फोर्थ किए आप। तो मुझे उस टाइम फोर्थ में था, और जैसे ही बॉस ने यहाँ पे प्रेस करा, ऐसे करके ना, मतलब एक आपको थोड़ा टेंडरनेस, टेंडरनेस का मतलब कि आपको थोड़ा पेन फील होगा, ठीक है। और ये फिफ्थ वाला है, ठीक है। तो ये फिफ्थ वाला आप साइड से ऐसे ऐसे करके पैल्पेट कर सकते हो, पैल्पेट करना मतलब टच करना, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, है ना। तो ये इस तरह से करते होते हैं। फिर यहाँ पे क्यूबॉइड बोन होता है, फिर आपको बताया ना क्यूनिफॉर्म 1, 2, 3, या फिर मीडियल, इंटरमीडिएट, लैटरल, फिर यहाँ पे नेविकुलर बोन, टैलस बोन, और फिर ये कैल्केनियम, ठीक है, हील जो आपका है वो कैल्केनियम। और यहाँ पे बहुत सारे लिगामेंट्स वगैरह होते हैं, तो उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करते। तो इस तरह से बॉस ने मुझे बॉस ने करा, और फिर मैं ये सीखा। और आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, अभी मेरा ना फिजियोथेरेपी चल रहा है जिसके बारे में मैं लास्ट में बताऊँगा, उसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा शायद पिगमेंटेशन हो गया हुआ है, ठीक है। और थोड़ा, चलो अब हम लोग एक्सरे के पास जाते हैं, एक्सरे देखते हैं कैसा दिखता है वो, ठीक है। ये रहा एक्सरे, और एंटेरो पोस्टीरियर व्यू है ये, ठीक है, और मेरे राइट लेग का है, ठीक है। तो जो जो मैं आपको बोन दिखाया था वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये मेटाटार्सल जो बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये जो लास्ट में जो आपको इधर स्टार्टिंग का 2, ये
फिर ये तीन 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 ऐसे करके हैं, ठीक है। तो आप देख के बताओ, आपको दिख रहा है कि फ्रैक्चर कहाँ पे है? जैसे मैं देखा था और मुझे तो कुछ नहीं पता चला था, तो आप बताओ कि आपको दिख रहा है क्या? चलो आपको मैं थोड़ा क्लोज करके दिखाता होता हूँ कि ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, है ना, दिख रहा है? मैं थोड़ा सा होल्ड करके, मैं कैमरा पकड़ा हुआ हूँ तो पता नहीं चल रहा, लाइक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे आपको दिख सकता है ये जो फोर्थ के जो बेस में है। मैं थोड़ा सा कैमरा को होल्ड करके अच्छे से और फिर आपको बताता हूँ। ये देखो मेरे जो नेल के पास में, हाँ ये जो नेल के पास में मेरा जो है, ये जो क्रैक सा दिख रहा है, ये स्ट्रेस फ्रैक्चर है। तो ये पैल्पेट करने के बाद मुझे पता चला था। तो होप अब इसके बाद आप स्ट्रेस फ्रैक्चर तो देख पाओगे। और फिर मैं जो नवंबर 12th को कराया था वो ये रहा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जस्ट एग्जैक्टली उसी जगह पे जब आप देखोगे तो देखो थोड़ा सा ऑसिफिकेशन आपको दिख रहा है, तो हीलिंग आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से लाइक मुझे ना बीच में थोड़ा सा पेन ज़्यादा हो गया था क्योंकि मैं बाइक चला लिया था और उस पर थोड़ा झटका लग गया था, तो फिर मैं पेन ज़्यादा होने लगा, तो फिर से मैं एक्सरे कराया के देखा था तो ये हील हो रहा था। तो मैं और फिर से अब मतलब अच्छे से रेस्ट ले रहा हूँ, प्रिकॉशन वगैरह। तो ये रहा। तो इस तरह से आप देखो, पहले तो आप सीख गए कि पैल्पेट कैसे करना होता है, फिर एक्सरे कैसे देखना होता है इसका, और बोन्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं ऊपर ऊपर से, ठीक है। तो इस तरह से अब मैं कुछ और चीज़ आपको दिखाता हूँ। देखो लाइक मैं थोड़ा इधर पढ़ रहा था ये वीडियो बनाने से पहले। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मैं क्या क्या चीज़ आपको बताना चाह रहा था। तो मतलब पहले तो हम देखते हैं कि ना रीज़न क्या है लाइक स्ट्रेस फ्रैक्चर का। तो एक तो है कि आप रेस्ट नहीं लेते हो और कंटिन्यूअसली लाइक किसी मतलब इवेंट में या फिर खेलने में या फिर कोई भी कारण से रनिंग वगैरह कंटिन्यूअसली आप करते होते हो तो स्ट्रेस फ्रैक्चर होने के चांस होते हैं। या फिर लाइक विटामिन डी का कमी, लाइक एक्चुअली मैं एक अपने फ्रेंड से बात कर रहा था लाइक बिकॉज मैं बहुत दिनों से बैठा हुआ हूँ, तो लाइक यू नो एक्सरसाइज वगैरह होता नहीं है, तो लाइक वेट गेन के कारण तो मैं सोच रहा था कि एक्सरसाइज वगैरह कैसे करूँ। तो ही वॉज लाइक कि ब्रो हम लोग ना मतलब रूम वगैरह में बैठे होते हैं ना और हॉस्पिटल जाते हैं फिर आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें ना मतलब एक्सपोजर सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता है, और हॉस्टल का यू नो खाना मतलब ग्रेट खाना तो उसमें तो मतलब बुरा होता है, कहने का मतलब है इट वॉज अ सरकाज़म। तो लाइक उसके कारण मतलब विटामिन डी का कमी हो सकता है। तो ये दो कारण हो सकते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर के। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर होता क्या है ना कि आपका पूरा बोन फ्रैक्चर ना होकर के थोड़ा सा पार्ट ना लाइक जस्ट फ्रैक्चर हो जाता है, थिन हेयर लाइन टाइप का जो आप बोलते होते हो ना उस तरह से जो आप देखे वो स्ट्रेस फ्रैक्चर है। और व्हाइल आई वाज स्टडिंग अबाउट दिस स्ट्रेस फ्रैक्चर मुझे एक कुछ चीज़ें पता चली जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक वन थिंग इज़ उल्फ्स लॉ कि बोन पे आप जितना प्रेशर दोगे, WOLFF और लॉ, उल्फ्स लॉ क्या होता है, जितना आप बोन पे प्रेशर दोगे तो उतना ही वो स्ट्रांग होता जाता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड उल्फ्स लॉ। बट होता क्या है ना, जब एक बार में आप अचानक से प्रेशर देते हो, जैसे कि मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ, मैं जब लैप के लिए गया, लैप इज लाइक 3 स्टेप, जब मैं लैप के लिए जंप किया तो जो बार 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 जो स्ट्रेस होता है ना तो उसके कारण मुझे हो सकता है, और मे भी शायद मुझे विटामिन डी का कमी हो, जो कि मैं जा करके हॉस्पिटल में दिखवाऊंगा और उसके बाद पता चलेगा कि मुझे विटामिन डी का कमी है या नहीं है। क्योंकि जब जब मैं वो दोस्त से बात किया, मुझे तो ये वीडियो बनाने का बहुत दिनों से मन था, बट जब मैं वो दोस्त से बात किया तो मुझे ये लगा कि अब ये तो बनाना पड़ेगा, है ना, बिकॉज दिस इज समथिंग सीरियस, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मतलब दिस इज़ इट। तो जब बट होता क्या है ना कि जब अचानक से आप प्रेशर दिए तो मतलब हो जाता है फ्रैक्चर। तो ये तो हम लोग उल्फ्स लॉ देख लिए हैं, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो कि मुझे पता चला कि जो 5th मेटाटार्सल के जो डिजिटल मतलब प्रॉक्सिमल एंड पे जो फ्रैक्चर होता है ना, जो मैं आपको दिखा रहा था, रुक जाओ मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको याद, ये रहा। तो ये जो 5th मेटाटार्सल के डिजिटल सॉरी प्रॉक्सिमल एंड पे जो फ्रैक्चर होता है ना, दिस इज कॉल्ड जोन्स फ्रैक्चर। ओके, तो दिस इज कॉल्ड जोन्स फ्रैक्चर। आज मैं थोड़ा कैमरा को बहुत ही ज़्यादा मूव कर रहा हूँ, सो हाँ। तो ये पीजी में आ सकता है, इफ़ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट वॉचिंग दिस वीडियो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा कि जोन्स फ्रैक्चर क्या होता है 5th मेटाटार्सल के प्रॉक्सिमल एंड पे जो लिगामेंट का पुल के कारण, दैट इज कॉल्ड पेरोनियस ब्रेविस टेंडन, ठीक है, जो वो 5th मेटाटार्सल के ऐसे करके आता है और खिंच जाता है और स्ट्रेन वगैरह के कारण। तो जनरली होता है क्या, 5th मेटाटार्सल में जो फ्रैक्चर होती है ना वो तुम्हारा लाइक एक्सटर्नल फोर्स वगैरह के कारण, कोई झटका लग गया या फिर आप ऐसे सीढ़ी से चढ़ रहे हो और अचानक से पैर ऐसे घूम गया, तो उसमें होता है। और जो सेकेंड थर्ड फोर्थ इस टाइप के जो फ्रैक्चर्स होते हैं उसमें ज़्यादा कॉमन स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है।
ये हो गया। और ये तो मैं सारा चीज़ बता दिया जो जो चीज़ मुझे बताना था, एक्सरे दिखा दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। और देखो, ट्रीटमेंट तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता थ्रू दिस ऑनलाइन मीडियम। आप हमेशा जा करके अपने डॉक्टर से मिलना। बट आप क्या क्या कर सकते हो, आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसे डिसकंटिन्यू करो, पहला चीज़। और आप अपना शूज़ चेंज करो, जैसे आप स्लीपर सैंडल वगैरह अवॉइड करना, और कोई स्पोर्ट्स शूज़ जो थोड़ा सा हिल सपोर्ट उसका ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है, उसे आप ऑप्ट करना। और अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट ऐसे ही बता रहा हूँ। जो सोल होता है ना, तो उस पर सिलिकॉन का एक वो आता है, फुट पैड टाइप का आता है, तो यहाँ पे मोटा होता है फिर पतला सा होता है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। वो बहुत आरामदेह होता है और मज़ा आता है पहन के, ठीक है। तो आप वो यूज़ कर सकते हो, सिलिकॉन पैड। और क्या कर सकते हो आप, हाँ, डबल सॉक्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मेरे राइट लेग में हुआ है, राइट फुट में मैं डबल सॉक्स पहनता होता हूँ, जिससे कि मुझे काफ़ी बेटर फील होता है और सपोर्ट एक मिल सा जाता है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। और हाँ, और फिजियोथेरेपी के बारे में आपको बताना चाह रहा था कि यार मुझे क्रायोथेरेपी ना बहुत मज़ेदार लगा, और उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डिग इन करना चाहा। मैं सोचा कि एक क्रायोथेरेपी का अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट हुआ क्या कि मैं उस मशीन के साथ बनाना चाहता था, बट वो लोग अलाउ नहीं किए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, फॉर ऑब्वियस रीज़न कि आप पहले परमिशन लो एंड ऑल, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता। बट मैं बताना चाहता हूँ कि वो क्या होता है ना, वैक्यूम क्लीनर टाइप का, ऐसे यूं यूं ऐसे करके ना हवा छोड़ता होता है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा ठंडा सा, -32 डिग्री सेल्सियस पे वो होता है, और 3 मिनट के लिए, 3 मिनट्स के लिए वो वो ऐसे ब्लो करते होते हैं एयर इसके ऊपर में, और तब जाके वो काफ़ी ठंडा होता है। और ठंडा करते करते ना फिर आपको पेन रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और आपको थोड़ा पेन भी होने लगता है, बट उसके बाद पूरा ठंडा ठंडा सा हो जाता है। तो ये मैं क्रायोथेरेपी करा रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, तो थोड़ा थोड़ा बेटर हो रहा है। और हाँ, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता था कि क्रायोथेरेपी ना अर्थराइटिस वगैरह के लोग ना, जो कि परेशान रहते हैं अर्थराइटिस के पेन से, वो लोग भी कराते हैं। तो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो और आपके कोई अर्थराइटिस के नोन हो, जो कि अर्थराइटिस के पेशेंट हो, तो आप उन्हें ये सजेस्ट कर सकते हो, और उन्हें बोलना कि पहले आप वो फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर, अपने जो डॉक्टर जिनसे वो कंसल्ट कर रहे हैं उनसे बात कर लेंगे क्रायोथेरेपी के बारे में, और उसके बाद जाके शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखा, दिस इज नॉट मेडिकल एडवाइस ना, मैं ऐसे ही अपना बात शेयर कर रहा हूँ। तो ये वीडियो देख के अपना क्रायोथेरेपी स्टार्ट कर दिया, ऐसा मत करना, ठीक है। और दिस इज इट, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ एवरीवन। सो आप देखो, मैं रिकवर कब करता हूँ, पिछले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो गया ये, तो इतने दिनों से मैं थोड़ा बास्केटबॉल वगैरह छोड़ रखा हूँ, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी होता नहीं है। अब कब से स्टार्ट होता है देखते हैं। अब वीडियो को ये हम कंक्लूड करते हैं, ठीक है। और कुछ तो रह नहीं गया जो मैं आपको बताना चाहता था। नहीं, बोन के बारे में हम लोग जान गए, उसके बाद एक्सरे कैसे देखना है, कैसे पैल्पेट करना है, कौन कौन बोन कहाँ होते हैं, वो हम लोग मोटा मोटी तरीके से हम लोग समझ गए, ठीक है। क्या करना है, मतलब जो भी कर रहे हो उसको छोड़ देना है, शूज़ चेंज करना है, ठीक है, लेदर शूज़ नहीं पहनना है, स्पोर्ट्स शूज़ पहनना है, ठीक है, सैंडल और चप्पल वगैरह छोड़ देना है, सॉक्स वगैरह पहनना है, ठीक है। तो दीज ऑल थिंग्स वेर द टेक होम मैसेज। और एक और चीज़, हाँ, एक चीज़ मुझे याद आया कि जो विटामिन डी है, इस पे मैं सेकेंड ईयर से वीडियो बनाना चाह रहा था, विटामिन डी एंड सन एक्सपोजर, किस टाइम में सबसे ज़्यादा विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है ना, अगर एक्सपोजर मिल जाए बॉडी को, तो ये सारी चीज़ पे मैं वीडियो बनाना चाह रहा था बहुत ही अच्छे तरीके से, बट अच्छा तरीका कभी हुआ नहीं, मैं कभी उतने अच्छे से एडिटिंग वगैरह सीखा नहीं और वो वीडियो बना नहीं, ठीक है। बट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि मैं कभी और बनाऊंगा उस पर वीडियो, कि कितना कब किस टाइम पर्टिकुलर टाइम में सबसे मोस्ट इफिशियंट होता है सन बाथ लेना, और वो कितना ज़रूरी होता है। और यार हम लोग ना, मतलब हॉस्पिटल, फिर हॉस्पिटल से रूम पे, फिर रूम से क्लास पे, ऐसे करके ना, तो हमें धूप में उतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता नहीं होता है। और आप बोलोगे कि खेलने कूदने में, यार हम लोग थोड़ा रात के टाइम में जाते होते हैं, तो उस टाइम भी मतलब उतना अच्छे से एक्सपोजर नहीं, मतलब आई एम साउंडिंग लाइक डम, मतलब रात में तो एक फोटो मतलब सन होते ही नहीं है, तो हमें सन बाद क्या करना। तो हाँ, तो इसलिए शायद हम मेरे बॉडी में विटामिन डी का कमी हो सकता है। अगर आपका भी थोड़ा लाइफ स्टाइल ऐसा है तो आप भी देख सकते हो अगर है या नहीं है। चलो, ये वीडियो बहुत लंबा हो सा हो गया, अब हम इसे कट करते हैं, मतलब फिनिश करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको ड्रिल पता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वाला, अगर नहीं किया हो तो आप कर लो। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और जो भी चीज़ आपको पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और क्या यार, लाइक कर दो भाई, मतलब और ज़्यादा मतलब सब्सक्राइबर बढ़ाओ, राइट, और लोगों को शेयर करो,
स्ट्रेस फ्रैक्चर के बारे में जानने के लिए, विटामिन डी वगैरह बला 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 ऐसे थोड़ा मोड़ा मैं टच किया हूँ, और अर्थराइटिस वाले को भी शेयर मतलब बता देना यार, 15 मिनट का वीडियो क्या ही देखेंगे वो, बता देना कि क्रायोथेरेपी अपने डॉक्टर से जाके पता कर लेने करना चाहिए नहीं करना चाहिए। चलो तो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ मेंटल एज वेल एज फिजिकल, एंड कीप ग्रोइंग यू नो, एंड अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।